बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फ्रास जो नामियाती खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, ये उससे हम इस प्लांट्स को जो है ये ग्रो किया है। ये भिंडी का प्लांट है और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ, इसका फ्रूट और इसके पत्ते का कलर, ये बिल्कुल अपनी नेचुरल हालत में है। और इसके साथ साथ इसका जो अदर इंसेक्ट्स जो इसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे सबजतेला है या एफिड है, या इसके ऊपर वो फल के ऊपर एक सुंडी आती है, स्पॉटेड बॉलवर्म, तो वो भी नहीं है। तो नेचुरल इसका वो कंट्रोल है। और मैं ये तजवीज़ करूँगा कि मेरे ज़िम्मेदार हजरात जो हैं, ये नामियाती खाद जो है वो अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करें। इस खाद के इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका पौधा जो है वो सेहतमंद होगा, बिल्कुल उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नक्श नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, उसके ऊपर फंगस का भी किसी किस्म का अटैक नहीं होगा और इंसेक्ट का भी किसी किस्म का कोई अटैक नहीं होगा, और वो अपने नेचुरल कलर में होगा। तो जब पत्ते नेचुरल कलर में होते हैं तो वो अच्छी खुराक बनाते हैं। तो जब अच्छी खुराक बनती है तो वो अच्छा फ्रूट उससे डेवलप होता है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है। नंबर दो, ये जो खाद हम फ्रास इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई की, इसमें ये ज़मीन के अंदर जब डालते हैं तो ज़मीन की खासियत को, उसकी स्ट्रक्चर को भी ये जो चेंज करता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का इजाफा होता है। ज़मीन के अंदर जो छोटे खुर्दबीनी जानदार हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये साइल लाइफ है, ये खरबों की तादाद में होते हैं, उनको भी बढ़ने का मौका मिलता है। तो जब वो बढ़ते हैं तो उससे फिर ज़मीन मज़ीद जो है वो बेहतर होती है। उसमें एयर की जो सर्कुलेशन है, जिसको हम पोरासिटी कहते हैं, साइल पोरासिटी, वो बेहतर होती है, जिससे जो है हमारे रूट्स जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप होती हैं पौधे की रूट्स हेयर तक। और इससे जो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, अपटेक ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स हैं, सारे जो है ना वो अपटेक होते हैं। तो इससे पौधा जो है वो, उसकी ग्रोथ ठीक होती है, टाइमली उसकी ग्रोथ होती है, किसी किस्म की उसमें शार्टेज या डेफिशिएंसी नहीं होती और अच्छी पैदावार मिलती है। और फ्रूट जो होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, उसमें एक अपनी फ्रेग्रेंस होती है और उसमें किसी किस्म का कोई जहरीले असरात नहीं होते, क्योंकि हमने इसमें जहरीली खादें या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इस्तेमाल ही नहीं किए। तो इससे जो है ये हमारी जो फसल है ये बड़ी बेहतर होती है और इससे हमें बड़ी आमदन होने का इजाफा है। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अपनी ज़मीनों को बेहतर कीजिए, ज़मीनें बीमार हैं उनमें नामियाती खाद डालिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जो एक लार्वा है, फ्लाई है, इससे हम ये पैदा कर रहे हैं। ये मुकम्मल वेस्ट जो होता है हमारा, किचन का वेस्ट या मंडी का जो वेस्ट होता है, तो हर किस्म के ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर जो है ना ये बनता है। तो इस लार्वे को फिर हम पोल्ट्री में, लाइफ स्टॉक में, एक्वा कल्चर में, पेट एनिमल्स में, उनकी ये प्रोटीन सोर्स है बहुत बड़ा। तो आपका ये सुनने का बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।